हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है बुधवार का और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 के आसपास का टाइम है और रावण दहन होने वाले हैं। अभी बांध के पापा बच्चों को लेके चले गए थे पहले ही और मैं नाराज़ हो गई थी उनसे थोड़ा देर के लिए। मैं नहीं जा रही थी लेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा है अकेले अकेले घर में, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला मुझे भी लेने आओ, मैं भी आ रही हूँ। तो आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो जाते हैं। वो मुझे लेने आएंगे क्योंकि गेट लॉक है और नीचे मकान मालिक लोग भी गए हुए हैं देखने के लिए, तो वो आ रहे हैं अभी, वो आएंगे फिर मैं भी जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने से जा रही है, देखिए, हनुमान जी की झांकी, भव्य झांकी, और सभी लोग बैंड बाजे के साथ डांस कर रहे हैं और सब लोग आ चुके हैं वहाँ से। तो ये जो झांकियाँ हैं बहुत सारी जगह से आती हैं उस जगह पे जहाँ पे रावण जलाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से जाम में, देख सकते हैं आप चारों तरफ से गाड़ियाँ लग चुकी हैं और धीरे धीरे जाम बढ़ रहा है। चलो चलते हैं हम लोग भी आगे। अब तो यहाँ पे हमारे सामने से आ रही है माता रानी की मूर्ति, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी जाम थोड़ा कम हो गया है, फटाफट रूट पार करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लेकिन देख सकते हैं आप सामने धुआं धुआं, तो हमारे आने से पहले ही रावण जल चुका है और लोग अपने अपने घरों को वापस जाने लगे हैं। तो थोड़ा लेट हो गए हम, थोड़ा सा लेट हुए हैं बस, तो कोई बात नहीं, सुबह तो इन्होंने देखा ही था। तो सभी लोग एंजॉय कर लिया है, सबने वापस जा रहे हैं। अब और ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो राम सीता ऐसे किरदार निभा रहे हैं यहाँ पे और सभी देखिए जा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए एक और झांकी आ गई है। तो यहाँ पे ना एक बच्चे ने ही हनुमान जी बनाया है वो, और उसने अपने सर पे देखिए सर का आपको देख पाया होगा। ये सब देखने हमारे नसीब में होगा, तो ये सब देख के हमको और रावण जलते हुए तो नहीं दिखा। धुआं देख के हम लोग वापस आ गए हैं रूम पे। ये पागल हो रहा है सही, जिस टाइम पर बस रावण जलने वाला था ना उसी टाइम पर मेरा भी मन कर रहा है आने का, तो हम भी इधर आ गए, हमने भी नहीं देखा। मैं बानी को लेके गया हुआ था, मुझे लगा चलो भाई दिखाएंगे, बानी को दिखाएंगे, दीविशा को दिखाएंगे, सेम बस जलने वाला था उसी टाइम पे, मेरा भी मन कर रहा है देखने का। मेरी वजह से लोग भी नहीं देख पाए रावण वगैरह, तो हमने सबने भी धुआं ही देखा वहाँ पे जाके। वैसे भी तो धुआं ही देखते हैं ना, तुम क्या देखते हो इतनी दूर से, धुआं ही तो देखते। क्यों धुआं देखते, दिख नहीं रहा था जलते हुए, दिखता वहाँ से पटाखों की आवाज ही तो होगी, दिवाली में सुन लेना पटाखे की आवाज। मजा नहीं आया। मेरे ऊपर नाराज हो तुम मुझसे? नहीं, सुबह देख तो लिया था तुमने, वो वही वाला रावण तो था। सुबह ये लोग पार्क गए थे ना, तो सुबह तब लग गया था रावण, तो ये लोग देख आए थे बानी दिविशा और ये, इन्होंने तो देखा था वो, पर जलते हुए नहीं देखा था। तो वही हाँ, सुबह जला दिया था उसको, जलते हुए देखा था हमने सुबह ने, अभी जलाते हैं उसको, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। हाँ तो फिर जलते हुए तो नहीं देखा, वही तो बोल रही हूँ, सुबह दिख तो गया वो कैसे बना था करके। देखने से क्या है, धुआं भी देख लिया, क्या देखना था पटाखा, धुआं देख लिया, भीड़ भी तो कितनी थी, क्या देख तो लिया? क्या हो गया, मैं तो आगे था पहले से ही, आ जाते तैयार होके जबरदस्ती बिल्कुल उसी टाइम पे, मतलब बस आग जलाने वाली है, मुझे भी आ जाओ लेने के लिए, मेरा मन भी कर रहा है यार। क्या करूं फिर, बच्चों के साथ मैं परेशान हो जाती हूँ। परेशान हो जाते हो, परेशान ठीक है। क्यों बुला लिया फिर हमें, मेरा मन कर रहा था फिर। क्या कुछ नहीं भाई, क्या बोले, ये पता नहीं भाजी शायण है। चार मरला में चले जाओ देखने, अभी वहां भी चलते हैं थोड़ी देर। हाँ चले जाओ वहीं, अब हर जगह चले जाए आप।
घर के पास में जो था वो तो देख नहीं पाए। क्या हुआ, चले जाओ, चल पानी चले फिर, चलो चल से चले, भाई तो तैयार है, चले चलो बेटा, चलो चलो बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा भाई मैं। क्यों? ना ना तुम्हें नहीं, तुम्हारे जाने से पहले भी निकल जाएगा वो, रहन दो तुम, रहन दो, तुम जा रहे हो तो मैं नहीं जा रहा। चलो बच्चों हम चलते हैं, पापा तुम जाओ जाओ। क्या खा रही है? चलो चलो चल मानी हम चलते फिर। पापा की पूंछ है वैसे भी, पापा जाएंगे तभी जाऊंगी। तो है ही पापा की पूंछ, ये भी पापा की परी है। क्यों है? ये मेरी है, है ना दीदी से, मम्मी की है ना। नहीं नहीं करे, नहीं नहीं करे, नहीं नहीं पापा की है ना, पापा की है ना, पापा की है ना, नहीं नहीं करे पापा की। हाँ किसकी है, किसकी है फिर? मानी की है। फिर से ढोल आ गया, अब क्या हो रहा है? और तैयार है तुम्हारे लिए, झांकियां जा रही है वो वापस। ये क्या लेके आए हो तुम? ही अरे ये खाली 80 रुपये वाला खर्चा है, बेमतलब। बानी ने जिद कर दी, वहाँ ले लो ले लो ले लो, अभी काम ही नहीं कर रहा है, डाल के देखा ठीक है, दोनों बंदूक काम नहीं कर रही है, नहीं कुछ भी काम नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ऐसे लेने ही नहीं चाहिए। अब क्या करूं, इसने जिदे इतनी कर दी वहां पे, पापा कुछ तो ले लो, आप कुछ भी नहीं लेते मेरे लिए, ये इमोशनल अत्याचार, मतलब इस तरीके से बोलने लगी, पापा ले लो सब ले रहे, सब ले रहे हैं ठीक है। रेडी वाले से ऐसे नहीं लेते, मैं इसको बोला मैं तेरे को अच्छी चीज दिला दूंगा, शॉप से लेते हैं ऐसी चीजें ना, खोल के चेक कर कुछ नहीं है, खराब हो गया पूरा, ये आज दिन खराब हो भैया, कर लिया था नहीं कर दिया आज, ये बस वेस्ट है, ये अच्छी चीज होती है कोई बात नहीं बेटा, पर मैं तेरे को बोल भी रहा था वहाँ पे बेटा, अच्छी चीज है तो ले ले कोई बात नहीं, पर पता था मुझे वहाँ पे ऐसी निकलेगी, तोड़ दिया, फूटेगी भाई, तोड़ दूँ, चलो छोड़ो वहाँ, नहीं नहीं तोड़ दूँ ना, रावण देखो ना, ये खाली 80 रुपये वाला खर्चा है, बेमतलब आज दिन खराब रहो ये, आज चल जीना हाई ठीक है। तो दोस्तों ये वो रावण है जो हमारे उधर लगा हुआ था, सुबह ये लोग गए थे ना पार्क घूमने के लिए, तो इतनी वीडियो ये बना लाए थे, मैंने सोचा चलो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए फिर आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, अगर थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।